तो मोमेंट ऑफ नशा के अंदर कई फिगर्स का मोमेंट ऑफ नशा हमने किया, रिंग का, डिस्क का, स्फेयर का, सिलेंडर का, अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, सपोज आपके पास डिस्क हैं, तो ये आपकी पहली डिस्क है, ये आपकी दूसरी डिस्क है और ये आपकी तीसरी डिस्क है। टेबल के ऊपर तीन डिस्क पड़ी हुई हैं, हर डिस्क का मास एम है और हर डिस्क का रेडियस आर है। हर डिस्क का मास एम है और हर डिस्क का रेडियस आर है, ठीक। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि अगर कोई एक्सिस कहां से पास करे, एग्जैक्टली इसके सेंटर से, ऐसे, तो आपको आई की वैल्यू बतानी है यहां पे क्या होगी तीनों डिस्क की वजह से। ये क्वेश्चन है, तो रूल नंबर वन, एक एक करके आंसर देना प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन है, डिस्क नंबर वन का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस रेड कलर के एक्सिस पे? डिस्क नंबर वन कितना आई लगाएगी इस एक्सिस पे, बोलो कितना? कैसे, जीरो? एक्सिस पे तो पॉइंट मास होता है, वो जीरो होता है, तो पूरी डिस्क है। एम आर स्क्वायर बाई फोर, कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा ये बताओ, ये एक्सेस इस डिस्क के लिए क्या एक्ट कर रहा है, लाइक डायामीटर? दिख नहीं रहा, डायामीटर है तो डायामीटर एक्सेस है, तो अगर डायामीटर एक्सेस है तो बोलो आई का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्क के वैसे एक्सेस का फॉर्मूला सेंटर एक्सेस के अलॉन्ग फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और डायामीटर के अलॉन्ग क्या होता है, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर ये सेकेंड डिस्क है, बोलो सेकेंड डिस्क का कॉन्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस पे क्या होगा? जो सेकेंड डिस्क है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या होगा? ये तो टेंजेंट है इसके लिए, तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा कि अगर मान लो एक एक्सिस ये होता तो इसके अबाउट वैल्यू क्या होती, 1/4 एम आर स्क्वायर। डायमीटर के पर इसके अबाउट तो पूछा नहीं हमें, तो इसके अबाउट पूछा है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसके आई की वैल्यू को इसके आई की वैल्यू पे शिफ्ट कर दें, एक्सिस को शिफ्ट कर दें, तो इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करेंगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर इज 5/4 एम आर स्क्वायर। तो यानी कि सेकेंड नंबर डिस्क का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 5/4 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो टेंजेंट एक्सिस का मैंने करवाया भी था, एक डिस्क का अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के अबाउट 5/4 एम आर स्क्वायर। अब थर्ड नंबर डिस्क के ऊपर आते हैं, थर्ड नंबर डिस्क की भी सेम स्टोरी है, इसके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहां से यहां लगेगी तो क्या आएगा, प्लस 5/4 एम आर स्क्वायर। तो इन्हें ऐड कर लेना, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो एक एक करके डिस्क लेनी है, पहले इस डिस्क के लिए ये एक डायमीटर है तो डायमीटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज इस डिस्क का डायमीटर भी तो पूछा नहीं है, डायमीटर को शिफ्ट करके टेंजेंट बनाया तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन, इस डिस्क का ये टेंजेंट है सेम कॉन्ट्रीब्यूशन, आंसर ऐड करके आंसर आएगा, ठीक है? आंसर सपोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक रॉड है। देखो रॉड के दो फॉर्मूलाज हैं, रॉड का पहला फॉर्मूला है कि अगर कोई एक्सेस यहां से पास करता है रॉड के यहां से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बाय 12।
और अगर कोई एक्सिस टेंजेंट है, टेंजेंट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल स्क्वेयर बाय 3। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आपके पास ये एक थिन रॉड है, ये एक और रॉड है, और ये एक और रॉड है। तो आपके पास तीन रॉड्स हैं, ये आपके पास तीन रॉड्स हैं, ये आपको जो एक्सिस गिवन है वो क्या गिवन है, आपको एक्सिस ये गिवन है, ये रहा, ठीक है, ये इसका एक्सिस गिवन है। इस एक्सिस और हाँ, हर रॉड का मास m है, हर रॉड की लेंथ l है, मास m है, रॉड की लेंथ l है। आपको क्या करना है, तीनों रॉड्स की वजह से टोटल i की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि एक एक करके बताना, ठीक है। रॉड नंबर वन, ये रॉड नंबर वन है, बोलो रॉड नंबर वन ने इसके एक्सिस पे क्या कंट्रीब्यूट किया, रॉड नंबर वन की वजह से इस डॉटेड एक्सिस पे क्या कंट्रीब्यूशन है किया था हमने लास्ट टाइम, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करवाया था मैंने कि अगर एक रॉड ऐसी है और एक्सिस भी ऐसा है तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, ऑनलाइन जीरो जीरो, क्योंकि थिन मास थिन रॉड है तो मास तो खुद एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगा, जीरो, तो मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। क्लियर है यहां तक? तो रॉड नंबर वन का कंट्रीब्यूशन आई का यहां पे क्या है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है, लेंथ एल है, मास एम है। अब रॉड नंबर टू को देखो, रॉड नंबर टू के लिए ये एक्सिस क्या एक्ट कर रहा है, लाइक अ टेंजेंट, चेक कर लो, रॉड नंबर टू देखो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3, तो सीधा टेंजेंट का कंट्रीब्यूशन लगा दिया। तो फर्स्ट रॉड के लिए एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो ये तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, सेकेंड रॉड के लिए ये डॉटेड क्या है, टेंजेंट है, एम एल स्क्वायर बाय 3, थर्ड रॉड, रॉड नंबर 3, तो रॉड नंबर वन हो गया, रॉड नंबर टू होगी, रॉड नंबर थ्री, रॉड नंबर थ्री का कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या होगा, ग्रीन कलर पे, इस एक्सिस पे क्या होगा, सिर्फ एम एल स्क्वायर, सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सिस ये लेता हूं, मान लो ये लो, तो इस एक्सिस पे आई का कंट्रीब्यूशन क्या है, इस रॉड का खुद पे जीरो, पर आपसे ये तो पूछा नहीं एक्सिस ये है, एक्सिस तो ये है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थर्मा पैरल एक्सिस क्या कहती है कि अगर इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करना है तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका खुद का है जीरो, वो तो लेना ही पड़ेगा, प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे इसके खुद के लॉन्ग वैल्यू अगर 10 होती तो आंसर क्या आता, 10 प्लस एम एल स्क्वायर, पर है ही जीरो तो क्या कर सकते हैं, तो टोटल ऐड करके आंसर क्या आएगा, 4/3 एम एल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक।
ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक एक फॉर्मूला नोट करो, सॉरी एक फॉर्मूला नोट करो फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, कि अगर आपके पास कोई एक लैमिना थिन शीट है, पतली सी शीट है, ये री शीट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक थिन शीट है, तो इस शीट के अंदर से अगर एक्सेस पास करे कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन सच दैट ये एल है और ये बी है, तो इस एक्सिस के अबाउट आई का फॉर्मूला नोट करो, एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो सेंट्रल एक्सिस का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर होता तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ये लो आपके पास एक स्क्वायर शीट है एल और एल बाय एल की, ठीक, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। अब ये एक्सिस कैसे है? ये एक्सिस ऐसे है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर शीट है और सच दैट एक्सिस की कॉर्नर एज से पास कर रहा है ऐसे, ये क्वेश्चन है। थोड़े फिगर और बेटर बना लेते हैं, ये आपके पास तो ये L है और ये भी L है, और आपको इसमें जो एक्सेस के अबाउट निकालना है वो ये एक्सेस है, इसके अबाउट आपको I की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मास M है, पता नहीं, चेक करता हूँ। तो क्या लगाया? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगेगी, क्योंकि मेरे को इसके अबाउट तो आता नहीं, मेरे को इसके अबाउट तो आता है क्या? अगर कोई एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 6। क्लियर है? एम एल स्क्वायर बाई 6। अब मेरे को ये पता है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो भी सेंटर होगा, और ये डिस्टेंस डायगनल है, हाफ डायगनल है, स्क्वायर का आधा डायगनल है, क्योंकि दो एक्सिस में क्या लेना है? पैरेलल डिस्टेंस लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास अगेन एक शीट है, आपका एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, तो दोनों में दूरी क्या होगी? हाफ डायगनल। हाफ डायगनल क्या होती है? एल बाय रूट टू। डायगनल की लेंथ क्या होती है? आधी की, एल बाय रूट टू, यही होता है। टोटल डायगनल क्या होता है? टोटल डायगनल होता है रूट टू एल। आधा डायगनल क्या होता है? बाय टू, एल बाय रूट टू। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अबाउट वैल्यू क्या होगी? इसके अबाउट जो वैल्यू होगी वो होगी एम एल स्क्वायर बाय 6, तो होगी होगी जो इस एक्सिस की है। तो भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करना है तो प्लस एम इंटू एल बाय रूट टू का होल स्क्वायर, इसे ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है? जैसे सपोज इमेजिन करो कि आपके पास एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक, एक और रिंग है,
दो रिंग्स हैं सच दैट दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर हैं, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो एक का प्लेन ऐसा है एक का प्लेन ऐसा है, तो दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो दोनों प्लेन 90 डिग्री पे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर, ठीक है, आपको ये सेंटर गिवन है इसका, अगर मान लो कोई भी एक्सेस ऐसे पास कर रहा है और सेंटर इनका कॉमन है, सेंटर कॉमन है, तो आपको इस एक्सिस पर आई की वैल्यू बतानी है, दोनों रिंग्स की वजह से क्या होगी, मास एम है, रेडियस आर है और दोनों की दोनों फिगर्स क्या हैं, रिंग है, तो दोनों रिंग्स इस एक्सिस पे क्या कंट्रीब्यूट करेंगी आपको बताना है। देखो पहले ये बताओ, ये पहली रिंग है, पहली रिंग ने क्या कंट्रीब्यूट किया इस एक्सिस पे, ये एक्सिस क्या एक्ट कर रहा है इस रिंग का, डायामीटर, और डायामीटर में वैल्यू क्या होती है, 1/2 mr². तो ये इसका कंट्रीब्यूशन आ गया नंबर वन का। रिंग नंबर टू, रिंग नंबर टू के लिए ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास कर रहा है, तो एक परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास कर रहा है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 3/2 mr² इज द आंसर। तो क्लियर है यहां तक आंसर, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, ठीक, एक एक्स है और एक वाई है, मान लो आपके पास ये एक एक डिस्क पड़ी हुई है, सपोज दिस इज अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, मान लो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सेंटर से इस ओरिजिन का डिस्टेंस है ये क्या गिवन है, ये ए गिवन है, ए गिवन है, और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ डिस्क है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है तो क्या लेना है, कितने लोग बोलते हैं 1/4 mr², हाँ 1/4 mr², क्यों, क्योंकि एक्सिस क्या है, डायमीटर, तो ये एक्स एक्सिस इसका क्या एक्ट कर रहा है, लाइक अ डायमीटर, तो एक्स एक्सिस डायमीटर ही तो है, और अगर डायमीटर है तो आंसर क्या होगा, 1/4 mr², बस आंसर। नहीं मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं ना, मैं तो क्वेश्चन वैसे पूछ रहा था, क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ, ये तो वैसे ही माइंड में आ गया कि एक्स एक्सिस में क्या करना है, क्वेश्चन तो ये है कि ये पॉइंट ओ है, अगर कोई एक्सिस ओ में से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसे पेन की तरह ऐसे, तो बताओ ओ के अबाउट मोमेंट इनर्शिया क्या होगा व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहे हैं जेड एक्सिस, अब क्या होगा,
देखो तो इसमें क्या करेंगे, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये एक एक्सेस है, ठीक है। तो ये एक्सेस है, इसके अबाउट अगर पूछूं आई क्या होगा, तो क्या होगा, 1/2 mr², ये सेंट्रल एक्सेस है। पर इसके अबाउट पूछता कौन है, मैं तो पूछा नहीं, इसके अबाउट पूछा तो दोनों एक्सेस आपस में क्या पैरेलल, और दूरी क्या इनके बीच में ए, तो इसके अबाउट क्या है, ½ mr², तो इसके अबाउट क्या होगा, ½ mr² प्लस ma² ½ mr² प्लस ma², कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास दो डिस्क हैं, ठीक है, दो डिस्क हैं, मास दोनों डिस्क का सेम है, मास सेम है, थिकनेस सेम है, सेम है, डेंसिटी रो वन एंड रो टू है, तो डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक। तो आपको रेशियो निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की, दोनों डिस्क की, जब एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर से, दोनों डिस्क के। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू एम इंटू R1² हाफ एम इंटू R2² मैंने एम क्यों पुट किया, क्योंकि मास दोनों का क्या गिवन है, सेम। तो आपको आंसर बताने क्या होगा, रेडियस में आपको दे नहीं रहा, आपको आंसर डेंसिटी की फॉर्म में बताने क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसको और सिंप्लीफाई करो, रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन निकालो। ठीक, तो देखो इसमें क्या स्टेप लेंगे, ध्यान से देखो, मास दोनों का सेम है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, लिख लिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस। अब थिकनेस दोनों की एग्जैक्टली क्या गिवन है, सेम गिवन है, थिकनेस से थिकनेस कैंसिल। डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई R1² इंटू ρ1, पाई R2² इंटू ρ2, पाई से पाई कैंसिल, तो R1² बाई R2² की वैल्यू क्या आ गई, ρ2 बाई ρ1, या रिप्लेस कर दो क्या आएगा, ρ2 बाई ρ1 आंसर, ठीक है। तो एक ना शॉर्टकट नोट कर लेते हैं, ये तो चलो प्रूफ करवाई दिया, पर एक्चुअल में एक शॉर्टकट फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी प्रोवाइडेड मास एंड थिकनेस रिमेन्स सेम। ये एंड में फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना, जब रिवाइज करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, अगर मास और थिकनेस सेम है तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखना है, डेंसिटी। शॉर्टकट बन गया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है,
सपोज आपके पास तीन पॉइंट मासेज हैं, तीन पॉइंट मासेज हैं, एम पॉइंट मास है, एम पॉइंट मास है, एम पॉइंट मास है, डिस्टेंस एल एल और एल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑब्वियसली एल 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 है। तो क्वेश्चन है कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी भी एक साइड को एक्सिस मान लें, जैसे मैंने इसको एक्सिस मान लिया, ये रहा मेरा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट तीनों पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, एम एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास है ना, तो ये पॉइंट मास जो है वो तो इसके एक्सिस पे लाई करता है, और अगर ये पॉइंट मास के एक्सिस पे लाई करता है, इसका आई का कंट्रीब्यूशन जीरो, इसका आई का कंट्रीब्यूशन जीरो। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये एल है, तो लगाओ ज्योमेट्री इसमें, साइन 60 इज दिस अपॉन दिस, तो ये क्या आएगा, एल साइन 60। तो आई की वैल्यू क्या बनेगी, एम इंटू एल साइन ऑफ 60 का होल स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर, साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू आएगी एम एल स्क्वायर 3/4 इज आंसर, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है। सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, ठीक, सपोज आपके पास एक डिस्क है और इस डिस्क का मास m है और इसका रेडियस r है, सेंटर इसका c है, और क्वेश्चन है कि मैंने इस डिस्क का अगर एक्सिस सेंटर से पास किया इसके अंदर से, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल डिस्क का, कि टोटल जो डिस्क है आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंटर के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क क्या बनेगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन है कि मैंने इस डिस्क में से एक डिस्क और काट दी और काट के फेंक दी, वही कटिंग वाली डिस्क में से डिस्क कट कर दी, तो हमने क्वेश्चन ऐसे किए थे, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ना ना इसमें वो नहीं है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिमेनिंग डिस्क निकालना है आपको, आई क्या निकालना है, ऑफ रिमेनिंग डिस्क निकालना है, लेकिन एक्सिस क्या रखना है, सी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो
तो पहले अगर डिस्क नहीं कटी थी फिर तो पता ही था कि इस एक्सिस के अबाउट आंसर ये रहा, अब डिस्क काट दी तो मास हटा दिया तो आई विल चेंज, तो बची हुई मास ने कितना आई लगाया ये क्वेश्चन है, ठीक। और इसका जो रेडियस है इस डिस्क का, ये रेडियस है आर बाय टू, टोटल रेडियस आ रहा है तो कितने आर बाय टू, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आया क्या क्वेश्चन है। तो एक डिस्क में से डिस्क कट करके रिमूव कर दी, बची हुई डिस्क के सेंटर के अक्रॉस आपको आई बताना है, ठीक है। तो रूल नंबर वन, आप क्या करेंगे, पहले आप पूरी डिस्क का आई निकाल लें सेंटर के अबाउट जो आ चुका है, फिर आप कटी हुई डिस्क का आई निकाल लें सी डैश के अलावा, लेकिन वो निकालने के लिए आपको कटी हुई डिस्क का मास निकालना पड़ेगा। चलो मोमेंट इनर्शिया बाद में निकालते हैं, पहले मास निकालते हैं। इस कटी हुई डिस्क का मास कैसे निकलेगा, डिस्क पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स एरिया। तो अगर एरिया की वैल्यू, अगर एरिया की वैल्यू पूरी डिस्क की कितनी है पाई आर स्क्वायर, तो मास कितना है एम, और अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो मैंने क्या ले लिया मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिस्क, और इस कटी हुई डिस्क का एरिया पाई इंटू आर बाय टू का स्क्वायर है, तो मास क्या बनेगा एम पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर बाय टू का होल स्क्वायर। तो यहां से कट करके आंसर क्या आ रहा है एम डिवाइडेड बाय फोर, तो क्या है पॉइंट क्लियर है, तो आंसर एम बाय फोर, ठीक है यहां तक। तो इसका मास आ गया मेरे पास एम बाय फोर। अब अगर मैं ये पूछूं कि जो कटी हुई डिस्क है, कटी हुई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डैश के अबाउट निकालो, और एक्सिस कहां से पास कर रहा है जब सी डैश में से, तो बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे। सिर्फ कटी हुई डिस्क का पूछ रहा हूं, बाकी को छोड़ दो, सिर्फ ये वाली डिस्क का वन बाई टू, मास कितना है इसका एम बाई फोर, रेडियस कितना है इसका आर बाई टू का होल स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है। सिर्फ कटी हुई डिस्क का मोमेंट इनर्शिया सी डैश के अबाउट मैंने निकाल लिया, बट मेरे को मेरा क्वेश्चन सी डैश एक्सिस पे सॉल्व ही नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को सी पे करना है। तो कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सी के अबाउट निकालना है, लेकिन हमें सी डैश के अबाउट पता है, तो इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट कर दो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहां से यहां जाना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से यहां जाने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डैश की बजाय किस पे निकालना है, अब सी पे निकालना है कटी हुई डिस्क का, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसका था, ये सी डैश का था, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा आर बाई टू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एम बाई फोर इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि इस डिस्क, इसको तो छोड़ ही दो ना, इस डिस्क का मास क्या है एम बाई फोर, और दोनों एक्सिस में पैरल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर बाई टू। तो पहले आपने सी डैश में फॉर्मूला लगाया डिस्क का, फिर इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट किया, तो ये कटी हुई डिस्क का मोमेंट इनर्शिया आया, लेकिन एक्सिस कहां पर सी पे, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग में भी क्या करना पड़ेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के अबाउट जो भी आया इसमें से कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा, लेकिन एक्सिस तीनों का क्या रखना पड़ेगा एग्जैक्टली सेम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका एक्सिस तो आपने सी ले लिया पूरी डिस्क का, लेकिन रिमेनिंग का कटी हुई डिस्क का आपने सी डैश ले लिया, फिर माइनस नहीं होगा, तो एक्सिस तीनों के क्या रहेंगे एग्जैक्टली सेम, तभी आंसर सी पे आएगा। तो अगर ये सी और सी है तो ये सी आएगा, नहीं तो सी और सी डैश अलाउड नहीं है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला था, हाफ एम आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं पूरी की पूरी टर्म, सॉल्व करके क्या आ रहा है 3/32, इसको सॉल्व करके ओके 3/32 एम आर स्क्वायर, तो यहां पर 3/32 एम आर स्क्वायर माइनस करके जो भी रिमेनिंग आंसर है बस वो आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया हमने, सेंटर ऑफ मास में तो फिर फॉर्मूला था एम वन ए वन माइनस एम टू ए टू बराबर ए वन ए टू, पुट करो आंसर आ गया। इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके अंदर तो पहले पूरे डिस्क का निकलेगा ही निकलेगा, कटी हुई डिस्क का निकलेगा ही निकलेगा, एक्सिस दोनों के सेम करने ही पड़ेंगे और फिर दोनों को माइनस करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं एक बार अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सपोज आपके पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जिसका मास
10 kg है, जिसका मास 10 kg है, जिसका रेडियस 1 मीटर है, ये इसका सेंटर है। तो इसमें से एक डिस्क को कट कर दिया हमने। इस डिस्क का जो रेडियस है वो 0.5 मीटर है और ये सी डैश है, ये सी है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है, किसकी? रिमेनिंग डिस्क की। क्या होगी रिमेनिंग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बतानी है, जब एक्सिस क्या रहेगा? सी, एक्सिस सी है। तो रूल नंबर वन, आप पहले एक काम करेंगे, पहले इसका मास निकलेगा कटी हुई डिस्क का। और मास कैसे निकलेगा? अगर एरिया पूरी डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो मास की वैल्यू कितनी है इसकी? 10 kg है। अगर 1 है तो 10 / π/1 का स्क्वायर है। और अगर एरिया कटी हुई डिस्क का π/0.5 का स्क्वायर है तो 10 / π/1 का स्क्वायर π/0.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2.5 kg आ रहा है। ठीक है, तो 2.5 kg का मास आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब मेरे को रिमेनिंग का अगर फॉर्मूला निकालना है अबाउट एक्सिस सी, तो मैं क्या करूंगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी में से कटी हुई पोर्शन का मोमेंट इनर्शिया माइनस करूंगा अबाउट एक्सिस सी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का क्या रहेगा? हाफ इंटू मास 10 इंटू रेडियस 1 का स्क्वायर। चलो ये तो आपके पास आ गया टोटल। इसमें से कटी हुई डिस्क का क्या रहेगा? कटी हुई डिस्क का अगर एक्सिस सी डैश है तो हाफ इंटू इसका मास 2.5 इंटू रेडियस कितना है? 0.5 का होल स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, प्लस मास 2.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी होगा। इसे सॉल्व करके निकाल लेना,
आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है? ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं आएंगी, आंसर एम आर स्क्वायर 1/2 MR ऐसे कुछ फॉर्म में आता है, बट आपको आइडिया समझ में आ गया कि डिस्क में से डिस्क काटना हो तो क्या करना है इसमें। ठीक है यहाँ तक? अभी देखते हैं, अभी दूंगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन है, सपोज आपको एक स्क्वायर शीट दे रहे हैं, ये एक स्क्वायर शीट है, एल बाय एल लेंथ की स्क्वायर शीट है, एल बाय एल लेंथ की स्क्वायर शीट है। इस स्क्वायर शीट, ये जैसे इमेजिनरी लाइंस हैं, कुछ नहीं है, ये जो स्क्वायर शीट है इसमें से एक डिस्क कट कर दी, ये रही, आपने डायग्राम देखा था अभी, एक और डिस्क कट कर दी, ये भी गई, एक और डिस्क कट कर दी, ये भी गई, एक और डिस्क कट कर दी, ये भी गई, तो रिमेनिंग आपको मुझे बताना है कि आई रिमेनिंग क्या होगा इसमें। ठीक, रिमेनिंग पोर्शन का आई क्या होगा? अबाउट एक्सिस सी, और पूरी शीट, ये एक स्क्वायर लैमिन है, स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट का मास एम है और लेंथ तो मैंने बताई थी इसकी एल बाय एल है। का मास निकालो एरिया से, क्योंकि शीट का भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया।
देखो इसके अंदर क्या करना है क्वेश्चन में कि सपोज पहले एक स्क्वायर शीट लेते हैं, तो रिमेनिंग में करना क्या होगा? रिमेनिंग के अंदर आई, रिमेनिंग में आई टोटल पहले कैलकुलेट करो, और आई जो कट की हुई डिस्क्स का है उन्हें क्या करो, माइनस करो, लेकिन एक्सिस क्या रखो, सी। पहले आई टोटल निकालते हैं। चलो आई टोटल क्या है? आई टोटल शीट का सेंटर के अलोंग हमने फॉर्मूला किया था एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर शीट की थी ना हमने, की थी रेक्टेंगुलर शीट का लेमिना, ये स्क्वायर है तो बी की जगह भी एल हो जाएगा, माइनस इसमें से अब डिस्क का माइनस करना पड़ेगा। अब एक डिस्क ले लो कोई भी, पर एक डिस्क का मास निकालना पड़ेगा पहले। चलो मास निकाल लेते हैं। मास के लिए शीट पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया वाइज, तो अगर शीट का एरिया एल स्क्वायर है तो मास क्या है, एम। अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो ये क्या ले लिया, मास पर यूनिट लेंथ एरिया। और अगर डिस्क का रेडियस क्या है बोलो, इसमें टोटल लेंथ क्या है एल, आधी लेंथ क्या है एल बाई टू, आधी से आधी क्या है एल बाई फोर, तो पाई इंटू एल बाई फोर का होल स्क्वायर, तो मास क्या होगा, एम बाई एल स्क्वायर इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर का स्क्वायर यानी कि 16, ऐसे होगा। तो यहां से कैंसिल हो गया एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16। पाई की वैल्यू एंड में पुट कर लें 22/7, तो मास आ गया डिस्क का। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है, एक्सिस सी डैश है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क। अब मास ऑफ डिस्क क्या है, मास ऑफ डिस्क है हाफ इंटू एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है, एल बाई फोर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर, लेकिन एक्सिस क्या है अभी, सी डैश है। हमें एक्सिस कहाँ पर ढूंढना है, सी पे। तो हमें जो एक्सिस है वो कहाँ पे लेके जाना है, सी पे। अब बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये पूरा डायगनल क्या होगा, यहां से यहां तक डायगनल क्या है, √12। डायगनल क्या होता है स्क्वायर का, √12। √12 का आधा क्या है, अच्छा ऐसे कर लो, ये √12 डायगनल का 1/4 पोर्शन है। ये 1/4 का मतलब √2L डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, तो इस एक्सिस को इस पे शिफ्ट करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसका आई तो निकल चुका है ये रहा, इस एक्सिस को यहां शिफ्ट करने के लिए ये डिस्टेंस इनके बीच में इतना है, तो क्या करेंगे, मास, मास कितना है, एम इंटू पाई बाई 16 इंटू इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, √2L बाई 4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि मैंने मन से बना रखी वैल्यूज है, ऐसा नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन आएगा। इसकी वैल्यूज ऐसी दी होंगी तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बट आपको मेथड समझ में आ रहा है। पहले शीट का निकलेगा, फिर इस डिस्क का निकलेगा सी डैश पे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। असली प्रॉब्लम फिर मैथ है, आपको डिस्टेंस भी खुद निकालने पड़ेंगे, रेडियस भी खुद निकालना है, और मास भी खुद निकालना है। समझ में आ रहा है यहां तक तो कि कैसे करना है।